जैसे मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट था मगर होता है, वैसे ही शरीर के अंदर जो स्पेशलिटी है यानी कि जिससे शरीर चलता है वो होता है। पूरा का पूरा जो ज्ञान है ब्रह्मचर्य का, जैसे इसको आप लोग वेद बोलते हैं, चार वेद बोलते हैं, वेद का मतलब वेदनाएं से वेद है, वेदनाएं में वेदनाएं दिखाई नहीं देंगे, आप देखेंगे पकड़ना चाहेंगे मिलेंगे, मगर आप ध्यान लगाएंगे तो वेदनाएं ढूंढने के 24 घंटे वेदनाएं आपके साथ खेती रहती है, आपके साथ खेते रहते हैं। तो अध्ययन जो वेदता होता है यानी वेदनाओं का होता है वो स्वयं करता है, दूसरी भी वेदनाओं को आप महसूस कर सकते हैं, मगर अध्ययन अपने का कर सकते हैं, अपने अध्ययन के आधार पर उनकी वेदनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ जो हम बात करेंगे जो स्पेशलिटी है खासतौर से जो धम के अंदर यानी जो बुद्ध की रोशनी के अंदर है, वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा माइंड है, जो मन है और जो हमारा रूप है, पुरानी भाषा में इसको रूप और नाम है, नाम का मतलब है सॉफ्टवेयर और रूप का मतलब है हार्डवेयर यानी कि शरीर होगा, इसकी दोनों के अध्ययन को यहाँ अब अध्ययन बोला गया है, यानी कि सेल्फ आपका स्टडी या सेल्फ एजुकेशन या सेल्फ जो भी आप जानते हैं अपने शरीर का उसे हो। धन्यवाद। लेकिन मेरे एक भाई साहब ने बोला वेदनाएं पूरी जिंदगी करोड़ों लोग जो बुद्ध है बुद्ध की पूजा करते रहते हैं और उसके चरणों में लौटते रहते हैं, मूर्तियां भी बना ली जब तक की मूर्तियां थी है। बुद्ध का आप अच्छे से अच्छे ज्ञानी से भी अगर मतलब पूछेंगे कि बुद्ध का मतलब क्या है, बुद्ध का कैसे नाम पड़ा, तो वो बता नहीं पाएगा। मेरा दावा है अच्छे से अच्छा जो अपने आप को परम मन बोलता है या अंकु बोलता है या पंत या नहीं बता पाए, जो बुद्ध का मतलब है जो बोधि को सिद्ध कर दे, बोधि को मतलब जो बोध को सिद्ध कर दे, जो ज्ञान को परम ज्ञान को जो हाइएस्ट इंफॉर्मेशनल नॉलेज है वो जो उसको सफल कर दे, सिद्ध का मतलब वो बुद्ध होता है। कोई हो सकता है महिलाओं के लिए रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि महिलाएं सॉफ्ट होती है, उसमें अधिक कहां जाना पड़ता है, हार्ड उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो होती है वो सॉफ्ट होती बनता है उनके सॉफ्टवेयर में होता है। यहाँ जो वेद की साथ आप खाली वेद की बात करें जो मैंने पढ़ा है, आप सांप वेद की बात करें, सांप का मतलब पाली पुरानी भाषा में काला होता है, सामा का मतलब काली और अशोकी है, और वेद का मतलब है कि जो काले आदमी है वेद के अध्ययन किया है, यानी वेदनाओं का अध्ययन किया है, वो उसके अंदर सारा ध्यान, यानी आपने अगर गर्म पानी दिया है तो वेदनाएं कैसी आती है, आपको कैसा महसूस होता है, ठंडा पानी दिया तो कैसा आता है, किसने आपको मारा तो कैसा आता है, कोई आपको गाली करता है तो कैसी वेदनाएं आती है, अट्ठ वेदनाएं होती हैं, अट्ठ वेद होता है, अट्ठ का मतलब है अर्थवाद जिसको अथर्ववेद बोलते हैं, जो आयु बढ़ाने वाली है, जो आपकी आयु जो आपकी उम्र बढ़ाने वाली है वो आयु वेदनाएं बोलते हैं, दवाई खाते हैं तो आपकी वेदनाएं बंद हो जाती है, आयु बढ़ जाती है, आप अगर जहर खा लेते हैं तो आपकी वेदना उसी तरह की आती है, बढ़ जाती है। एक होता है यजुर्वेद का मतलब होता है यजुर्वेद यानी सरल वेदना, बहुत सरल वेदना है, बच्चे को डांटा तो वेदनाएं बच्चे में और तरह की आती है, प्यार किया तो और तरह की आती है, माँ में और तरह की आती है। वेदना का मतलब आप पूरे जीवन में जो भी आप अच्छा या बुरा महसूस करते हैं उसका क्या, और वो संपूर्ण ज्ञान है, वो वेदनाओं पर आधारित है। ऋषि जो करते थे इसको पाली के अंदर इसी बोलते हैं, इसी द्वारा इसी को बाद में पाली के अंदर से, क्योंकि शय तो होता नहीं पाली में, ईश्वर बोलने लगे इसी को ईश्वर दिया, शय भी षटकोण वाला भी नहीं होता, तो इसी वर्ण का मतलब है इसी माने को होता है जो उसका अध्ययन करता है, और वर माने होता है जैसे स्वयं पर होता है महिलाओं के लिए, स्वयं का मतलब है स्वयं सर्वश्रेष्ठ चुने, वर का मतलब है सर्वश्रेष्ठ, जो वर मतलब जहां भी लग गया पीछे उसका मतलब है बेस्ट हो गया, तो जो इसी वर है इसका मतलब जो अपने अध्ययन का बेस्ट दे रहा है वो इसी पर हो गया, इसी वर को आपने जो माना चाहे वो मान सके, क्योंकि कारण क्या है कि पूरे पूरे पाली अध्ययन में कहीं भी कहीं सारा घर खुद ही कर रही है परमात्मा का एक सिंगल जिक्र नहीं, दिक्कत यहाँ बहुत, इन्होंने वेदना कैसे वेद से लिखी है अपने विचार है और ये एक अपना नजरिया है, हम इसके ऊपर कोई काउंटर नजरिया नहीं देंगे, हम सब सभी हम करो दो बहुत विचार था उनका, अब हो सकता है हमारा आर्य समाज का उनसे तालमेल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा उनका वो दृष्टिकोण है। अच्छा अब मैं